आप देख रहे हैं श्री न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं ख्वाहिश पटियार। सालाना दरबार मूव का प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। सर्दियों की जो राजधानी जम्मू है और अब जब अगले महीने से जब सेक्रेटरेट है वो श्रीनगर में शुरू होगी। फिलहाल मैं मौजूद हूं जम्मू के सिविल सेक्रेटरेट में। यहां पर आप देख सकते हैं कि दरबार मूव का जो प्रोसेस है वो जारी है और तमाम जो ट्रक्स हैं जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के वो लगे हुए हैं और सामान जितना भी है सिविल सेक्रेटरेट का यहाँ से मूव होके कश्मीर घाटी जाने के लिए तैयार है। हर साल का ये प्रोसेस है और महाराजा हरि सिंह के समय से ये प्रोसेस चल रहा है। और जब सिविल सेक्रेटरेट है वो गर्मियों में जो है वो कश्मीर वैली में शिफ्ट हो जाता है और जितना भी सरकारी कामकाज है जितना भी मंत्रिमंडल है वो सारा कश्मीर में बैठकर काम करता है। वहीं सर्दियों में जब बर्फबारी होती है तो सिविल सेक्रेटरेट जो है वो जम्मू शिफ्ट कर दिया जाता है और 6 महीने यहाँ पर पूरा सेक्रेटरेट का काम चलता है। साफ आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये ट्रक्स हैं यहाँ पर और सामान जो है लोडिंग हो रही है और सेक्रेटरेट का जितना भी सामान है ये घाटी की ओर जाने के लिए तैयार है और लेबर्स जो जितने भी हैं वो काम में लगे हुए हैं। हर साल ये प्रोसेस चलता है और इस प्रोसेस में काफ़ी जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का वो खर्च होता है सेक्रेटरेट शिफ्ट करने के लिए। लेकिन जिस तरह की बात करें कि अभी बहुत सारा जेके एसआरटीसी की जो ट्रक्स हैं वो लगे हुए हैं, तमाम जो सामान है यहाँ से शिफ्ट हो रहा है और लगातार जो बात करें कि सिविल सेक्रेटरेट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी अभी फ़िलहाल यहाँ से निकल चुके हैं जम्मू से और ये आगे जाकर घाटी में 6 तारीख को बताया जा रहा है कि सेक्रेटरेट जब शुरू होगी तो उसके बाद जो कामकाज है वहाँ पर शुरू होगा। तो यकीनन जिस तरह से 6 महीने तक यहाँ पे प्रोसेस चला है और वहाँ तमाम मंत्रिमंडल और सेक्रेटरेट से लगभग आए हुए लाखों लोग जो हैं जम्मू में आते हैं अपने परिवार सहित और सिविल सेक्रेटरेट का कामकाज यहीं से चलता है। अब दरबार मूव के प्रोसेस के बाद ये आगे श्रीनगर से शुरू होगा। ये हम विजुअल्स हम आपको सिविल सेक्रेटरेट से दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप ये ट्रक्स देख रहे हैं कि ये सामान यहाँ पर लोड हो रहा है और तमाम जो लेबरर्स हैं यहाँ पर ये सामान इसको यहाँ पे जितने भी ट्रंक्स हैं ये पैक करके घाटी की तरफ लेके जा रहे हैं और एक से दो दिन में ये श्रीनगर पहुँच जाएंगे। साफ तौर पे काफ़ी मेहनत रहती है सिविल सेक्रेटरेट कर्मचारियों की, काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहती है और तमाम फाइल्स तमाम जितने भी दस्तावेज़ हैं ये संभाल कर घाटी तक ले जाना और इनको मूव करना ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस रहता है। साफ तौर पर ये आप कर्मचारी देख रहे हैं ये लगे हुए हैं सामान उठाकर ट्रक्स में भरने के लिए और एक नहीं ऐसे सैकड़ों ट्रक हैं जो सिविल सेक्रेटरेट के जो सामान को यहाँ एक से दूसरी जगह लेके जाते हैं और साल में ये 2 बार प्रोसेस होता है। श्रीनगर से जम्मू की तरफ आता है सर्दियों के समय और गर्मियों में ये यहाँ जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा है। हालांकि अभी फ़िलहाल राष्ट्रपति शासन लागू है और तमाम ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है। इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन भी कल स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि अभी वो प्रोसेस तैयार नहीं है, वो लोग तैयार नहीं है इलेक्शन के लिए क्योंकि रमज़ान का महीना आने वाला है और यात्रा भी है और जो टूरिज़्म जो सीज़न है वो पीक पर है, उसको देखते हुए जो इलेक्शन है उन्हें पोस्टपोन किया जाए। और आज जो है उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बैठक करेगा और वो तय करेगा कि क्या जून के महीने में ही होंगे इलेक्शन या फिर नवंबर के महीने तक भी इलेक्शन जाएंगे। साफ तौर पे लोग ये चाहते हैं कि उनकी चुनी हुई सरकार आए और वो सेक्रेटरेट में आकर वो सेशंस जो लगते हैं असेंबली के या जो भी मुद्दे हैं अलग जगहों के वो वहाँ के उनके विधायक जो हैं उठाएं जो चुन के वो उनको भी भेजेंगे। लेकिन जिस तरह से अभी के समय में जो राष्ट्रपति शासन लग रहा है या फिर जब भी माहौल है पार्लियामेंट्री चुनाव चल रहे हैं, 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं और अनंतनाग सीट की बात करें तो 2 और चरण के वहाँ पर मतदान होने हैं, कुलगाम में और एक जगह और है वहाँ पर मतदान होने हैं। लेकिन साफ तौर पर जो सेक्रेटरेट मूव का प्रोसेस है ये बहुत ही एक कहें कि हिस्टोरिकल एक वो प्रोसेस रहता है कि भारत की पहली एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे जो कैपिटल है वो मूव होती रहती है। अब सर्दियाँ गर्मियाँ हैं तो कैपिटल जो है कश्मीर घाटी में शुरू होगी और साफ तौर पे जितने भी यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं सेक्रेटरेट के या जम्मू के रहने वाले या फिर अलग अलग जगहों के वो सभी घाटी की ओर मूव करेंगे और वहीं जाकर अपना सारा कामकाज देखेंगे और जितना भी राज्य का काम है जितना भी जो भी काम रहता है उसे वो संभालेंगे। हालांकि ये प्रोसेस काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा लेबर्स को इसमें वक्त लगता है, काफ़ी सामान इसमें जाता है। कोशिश करेंगे हम उन लोगों से भी आपको बात करवाने की जो ये हर साल ये काम करते हैं और कई समय से ये काम करते हुए आ रहे हैं। जानना कि क्या नाम है आपका, नाम क्या है? बिलाल। आप कितनी देर से सेक्रेटरेट का काम करते हैं, मूव जो हर साल होता है? 10-15 साल हो गए। 10-15 साल हो गए। अब आप यहाँ से श्रीनगर भी जाएंगे और सामान वहाँ से उतारेंगे? नहीं जी, उधर दूसरे होते हैं। तो कितना समय लगता है ये सारा सामान शिफ्ट करके यहाँ से जाने में? यहाँ से 2-3 दिन लगते हैं। 2-3 दिन लगभग कितने ट्रक्स हैं यहाँ पर जो जाते हैं दरबार मूव के समय? वो हमको पता नहीं है, ट्रक बहुत आते हैं, बहुत सारे ट्रक हैं। तो कितना समय मतलब कितना घंटे आप दिन में काम करते हैं ये सारा ट्रंक्स ऐसे लोड करने के लिए? ये 3 घंटे लगते हैं। 3 घंटे लगते हैं। काफी धूप में कड़ी में और आपको जो इसका जो पैसे हैं वो तुरंत ही मिल जाते हैं? पैसे मिल जाते हैं। साफ तौर पे काफी ज्यादा वक्त लगता है। और भी बात कर, आपका क्या नाम है? अहमद भट्ट। कहाँ के रहने वाले हैं?
मैं श्रीनगर से हूँ। कब से ये दरबार मूव का इस तरह काम करते हैं सामान? मुझे हो गए कोई 10-15 साल ये काम करते हैं। तो मतलब हर सर्दी आप श्रीनगर से भी जब आता है तो आप ही लोग करते हैं? जब श्रीनगर से आता है हम उस सीजन में इधर होते हैं, हम ये अनलोड करते हैं। आज जब वापस दरबार मूव है हम इसको इधर से लोड करेंगे, कुछ बंदे साथ जाएंगे उधर अनलोड करेंगे। तो मतलब कितने दिन का प्रोसेस रहता है ये? कितने दिन ये लगातार? देखो 4-5 दिन लोड अनलोड को लगता है इसको। हाँ। वही 5-6 दिन उधर लगते हैं, 5-6 दिन इधर लगते हैं। हाँ। लेकिन जिस तरह कंप्यूटराइज सारा जमाना हो गया है, आप मानते हैं इसको भी होना चाहिए ताकि जो आप भार उठा के करते हैं सब ऐसे ही कंप्यूटर के थ्रू? नहीं, हम मानते हैं कि इसको भी मतलब कंप्यूटराइज होना चाहिए ताकि हमारे लिए भी सहूलियत बढ़ जाती, ताकि हमें सख्ती करनी पड़ती है। मजदूरी करते हैं हम, लेकिन सख्ती में भी फंस जाते हैं। जो सख्त काम होता है इधर बारिश है बारिश ना, वो भी हमें उठा के फिर गाड़ी में डालना होता है। वो ना जिम्मेवारी बहुत होती है कि डॉक्यूमेंट दस्तावेज, जिम्मेवारी हम पर बहुत होती है ना। हमें ये नग जोर से नीचे डाले में रखने देते हैं, ये कहते हैं कि टूट जाएगा, वो भी हम परेशान हो जाते हैं, उधर से उठा नहीं सकते। हाँ। क्विंटल से भी कोई नग इनका। लगभग कितने ट्रंक्स हैं जो आप ये उठाते हैं? कितने ट्रंक्स होंगे ये ट्रंक? कम से कम एक एक गाड़ी में हम 150-160 तक भर देते हैं। 160 ट्रक कितने होंगे कुल ये? ट्रक इधर कम से कम इस सेक्रेट दरबार मुख की 150 गाड़ी से ज्यादा है। 150 गाड़ी से ज्यादा। तो कितना वक्त लगता है आपको ये सारा? दिन में कितने घंटे काम करते हैं? हम लगातार इधर कोई 11 बजे एंट्री होती है हमारी, गेट के अंदर आ जाते हैं तो 4 बजे तक 4-4:30 तक काम करने देते हैं। 4:30 बजे हमें पुलिस वाले फिर लाठियों से बाहर निकाल देते हैं, लाठियों से वो उसके बाद गवर्नमेंट कानून है इधर रहने नहीं देते। गवर्नमेंट कानून सेक्रेटरी 4:30 बजे बंद होता है, तमाम मजदूरों को गेट से बाहर निकाल देते हैं, एक्स्ट्रा मतलब आवर टाइम इधर करने देते नहीं। 15 साल पहले आपने शुरू किया था तब क्या आपको पैसे मिलते थे लोड करने के? आज क्या दिहाड़ी मिलती है उस समय? आज दिहाड़ी के नाक के हिसाब से होती है, दिहाड़ी पर इनको वारा नहीं पड़ता, ये हमें नाक के हिसाब से देते हैं। कहीं 20 रुपया नाक दे देते हैं, थर्ड फ्लोर से 30 रुपया देते हैं। अच्छा। पहले फ्लोर से 10-15 रुपये दे देते हैं। अच्छा। तो ये वही लोग हैं लगभग 10-15 साल से काम कर रहे हैं, और इसी तरह ये नग के हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सामान लोड कर रहे हैं। और बहुत अहम जिम्मेवारी इन पे रहती है क्योंकि सेक्रेटरीट के बहुत अहम दस्तावेज होते हैं, सरकारी प्रोजेक्ट्स की फाइल्स होती हैं, और बहुत ध्यान से यहाँ से शिफ्ट करनी पड़ती है क्योंकि कोई भी एक मिस्टेक हो जाए तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो पिछले काफ़ी समय से ये लोग काम कर रहे हैं, और दरबार मूव का प्रोसेस जो है ये एक हिस्टोरिक आप कहें कि प्रोसेस है, और भारत के क्या विश्व के शायद ही किसी और राज्य में ऐसा होता हो जहाँ पर कैपिटल जो है हर 6 महीने बाद मूव होती हो। लेकिन साफ तौर पे जिस तरह से ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, और दरबार मूव के जितने भी इंप्लॉयज हैं आगे श्रीनगर में जाके काम करेंगे तो एक खुशी उनके मन में ही रहती है कि उनको कुछ समय मिलता है कि वो अच्छे साफ सुथरे और ठंडे इलाके में जो है काम करने का उनको मौका मिलता है। लेकिन फिलहाल सर्दियों में एक बार फिर से सेक्रेटरीट जम्मू आएगा और यहाँ पर कामकाज शुरू होगा। हो सकता है उससे पहले पहले चुनाव भी हो जाए और सरकार राज्य के लोगों को मिल जाए, और आने वाले समय में तमाम मंत्रिमंडल यहाँ बैठ के लोगों की जो जो समस्याएं हैं वो असेंबली के अंदर बैठ के उठाए। जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट।